वैसे फवाद को ना अपनी बीमारी के बारे में बहुत पहले से ही पता था, लेकिन उसने इस बारे में ना किसी से कभी कोई बात नहीं की। वो अपने दुख सुख सिर्फ सेबू के साथ शेयर करता है। अब हरगिज सिकंदर को इस घर में मत आने देना। अगर उसने आने की कोशिश की तो इस घर का दरवाजा उसके लिए नहीं खुलेगा। ये तुम्हारी आला जर्फी है फवाद। अगर अब्बू ने वो कुछ किया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। क्यों, ऐसा क्या हुआ? खुला के कागज लाए थे। जेबू और फवाद की शादी खत्म हो जाएगी, मैं जानता हूँ। उसके बाद मैं खुद जेबू की शादी तुमसे कराऊंगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। बस सिकंदर, मुझे तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं है। आज से हमारी दोस्ती भी खत्म और ये बिजनेस डील खत्म। माशाल्लाह फवाद बिल्कुल ठीक हो गया। बेटा अब तुम लोग भी अपनी फैमिली बढ़ाने के बारे में सोच लो। मुझे ना दादी बनने का बहुत अरमान है।